कल मोदी 3.0 के मंत्रियों के शपथ ग्रहण का शानदार समारोह था और इस समारोह में भारत ने अपने उन सभी पड़ोसियों को बुलाया था जिनसे वो अच्छे संबंध चाहता है। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, इसमें श्रीलंका, सेशल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह का कूटनीतिक इस्तेमाल भी किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को भी आमंत्रित किया गया था। पिछले कुछ समय से मालदीव और भारत के रिश्ते खराब चल रहे हैं, ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के लिए मोहम्मद मोइज्जू को निमंत्रण भेजना और उनका यहां आना दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2023 में ही मालदीव और भारत के रिश्तों में खटास की शुरुआत हो गई थी। वर्ष 2023 अक्टूबर में जब मालदीव में चुनाव चल रहे थे तो मोइज्जू भारत विरोधी भाषण देते हुए दिखाई दे रहे थे। मोइज्जू के इलेक्शन कैंपेन का एक नारा इंडिया आउट था। इसके अलावा मोइज्जू जब मालदीव के राष्ट्रपति बने तो पारंपरिक रूप से पहले विदेश दौरे पर वो भारत नहीं आए बल्कि तुर्की और चीन गए। इससे मालदीव के चीन का करीबी होने का संकेत मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अपमानजनक बातें कही थी। इसको लेकर भारत में बायकॉट मालदीव ट्रेंड चल गया था। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर आधारित है। बायकॉट मालदीव से मालदीव के टूरिज्म को काफी नुकसान हुआ। साल 2023 तक मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट वहां पर जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या में 40-45% की गिरावट आई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भले ही अपने देश की सत्ता भारत विरोधी बयानबाजियों से हासिल की हो, लेकिन एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर मोइज्जू को भारत की अहमियत पता है। मालदीव अगर रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है तो मालदीव को रोजमर्रा का सामान पाने के लिए भारत की जरूरत है। इसलिए जब शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला तो मोइज्जू ने चीन और तुर्की की परवाह किए बगैर भारत आना मुनासिब समझा। वो सिर्फ भारत नहीं आए बल्कि यहां आकर उन्होंने संबंध सुधारने के प्रयास भी किए। यह तस्वीर उसी प्रयास की तस्वीर है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ हाथ मिलाने की फॉर्मेलिटी यहां पर नहीं निभा रहे हैं बल्कि वो बातचीत के जरिए दोनों देशों के संबंधों को ठीक करने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह के बाद विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था और उस डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में मोहम्मद मोइज्जू बैठे हुए दिखाई दिए। इस दौरान मोइज्जू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हल्के फुल्के माहौल में काफी अच्छी बातचीत होती हुई दिखी। भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर मोइज्जू केवल हाथ मिलाने या फिर मुस्कुराकर बात करने तक सीमित नहीं रहे। मोइज्जू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत यात्रा और शपथ ग्रहण में शामिल होने से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की। ऐसा करके उन्होंने यह संकेत दिए कि भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि मालदीव और भारत के बीच में रिश्तों में जो खटास आई थी वो खटास अब नहीं रही, वो दूर हो चुकी है। Z News.